गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्री वेद इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 25 स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स ना विद्यार्थी मित्रों, आज नो सब्जेक्ट है गुजराती। चैप्टर वन नी बात करवानी छे आपणे। आम तो जो गुजराती भाषा, अगर आप लोग गुजराती भाषा पढ़ रहे हो तो सब में बात होती है कि पहली जो आपका पहला चैप्टर होता है या तो नरसिंह मेहता का होता है या फिर मीराबाई का। पर इस किताब में शुरुआत हुई है गंगा सती से। पहले हमेशा नरसिंह मेहता या मीरा के पद होते हैं, नरसिंह मेहता के भजन होते हैं, ठीक है। पर इसमें आपको गंगा सती से शुरुआत हुई है, गंगा सती के भजन से शुरुआत हुई है। तो जिसका नाम है क्रोधी स्वभाव ने जीत वो ने गंगा सती। तो पहले गंगा सती के बारे में पढ़ते हैं, फिर किताब के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी जो रचना है वो क्या कहने चाहती है, ठीक है। तो गंगा सती, गुजरात संत साहित्य में केटलीक संत कवियत्रियों नु नोंधपात्र योगदान छे। कवियत्री मतलब कि लेडीज कवि, हम बोल सकते हैं ऐसे कि कवियत्री। गुजरात ना संत साहित्य में केटलीक संत कवियत्रियों नु नोंधपात्र योगदान छे, मतलब उन्होंने भी अपना योगदान दिया। एमाना एक गंगा सती नो जन्म भावनगर जिला ना राजपरा में थयो हतो। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? भावनगर, गुजरात के भावनगर जिला के राजपरा गांव में। उनके पिता का नाम भाईजी बा और माता का नाम रूपाड़ी बा, मतलब उनके पिता का नाम भाईजी बा ने माता नु नाम रूपाड़ी बा हतु। भाईजी जेसाजी सरवैया ये उनके पिता था। तेमना सासू ससरा तेमज पति द्वारा भाव भक्ति भजन नु वातावरण तेमने प्राप्त थयु। देखे हमारे आसपास जैसा एटमोस्फियर होगा वैसी ही इफेक्ट हमारे स्वभाव में आएगी, ठीक है। तो जो गंगा सती थे उनके परिवार में या फिर उनके ससुराल में भी लोग कैसे थे? भावभक्ति और भजन सुनने वाले। तो इनको भी भक्ति और भजन में पहले से ही रुचि थी। गंगा सती ना आध्यात्मिक जीवन नो पूर्ण विकास आवा पवित्र वातावरण में था। उनका जो आध्यात्मिक जीवन था उसका विकास कैसे हुआ? तो ऐसे ही एटमोस्फेयर में हुआ था। तेमना शिष्य पानबाई ने संबोधी ने तेमने जे रचनाओं प्रकट करी छे ते पण भजनों रूपे प्रचलित थी। उनकी शिष्या, उनकी दासी भी थी, वो बचपन से उनके साथ रहती थी और उनको उन्होंने उनकी शिष्या बना लिया पानबाई। उन्होंने जितनी भी रचनाएं की है, जितनी भी भजने लिखे हैं, वो सारे के सारे किसको, किसके नाम से सुना के लिखे, तो किसको सुना के लिए लिखे हैं? तो पानबाई को। सारे के सारे उन्होंने संबोधन किया है पानबाई को। उनकी बहुत सारी रचनाएं जैसे विजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परवो पानबाई, हम लोग आगे पढ़ गए हैं। विजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परवो पानबाई, अचानक अंधारा था शेरे। दूसरी रचना है मेरू रे डगे पण जेना मन ना डगे पानबाई, भले भागी रे पड़े रमांड रे। और अभी एक बुक में चल रही है ऐसी उनकी रचना सिलवंत साधु ने वारे वारे नमी, वो भी बहुत अच्छी रचना है उनकी। सिलवंत साधु ने वारे वारे नमिए रे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। भक्ति करवी तेने राख थई ने रहू पानबाई, पीवो हो तो रस पी ले जो पान में वगैरह, गंगा सती ना लोक प्रसिद्ध पदों छे। वैसे तो गंगा सती ने 52 भजन लिखे हैं। उसमें ऐसा था कि उनके पति जो थे कहर संकल्प, उनका उल्फे हम बोलते थे कल्पा, उपनाम उनका, निक नेम बोलते हैं ना कल्वा, पर कहर संकल्पा एमने जयरे मृत्यु पामे छे, मतलब वो जब मर जाते हैं तब गंगा सती उनके पीछे सती होने जाए। पता है ना कि कोई पुरुष किसी का पति मर जाए तो उसके साथ जिंदा ही वो उसकी पत्नी अग्नि में बैठ जाती है, उसके साथ उसका सर अपनी गोद में लेके वो उसके साथ अग्नि संस्कार कर लेती है, मतलब वो भी अग्नि में जल जाती है, तो उसे बोलते हैं सती। पर गंगा सती भी उसके साथ सती होने गई उनके पति के साथ, तब पानबाई ने उनका हाथ पकड़ के बोला
कि गुरु जी अभी मेरी शिक्षा पूरी हुई नहीं, आप मुझे बिना शिक्षा दिए जा सकते नहीं है। तो गंगा सती है, उन्होंने पान बाई के लिए डेली एक भजन लिखते थे, उनको सिखाने के लिए रोज का एक भजन, ऐसे 52 दिन का, 52 डेज के लिए हर रोज एक भजन लिखते और गंगा सती पान बाई को सुनाते। इसमें है ना लास्ट, मोतीड़ा पड़ो पान बाई, मेरु तो डगे पण जेना मन ना डगे पान बाई। पान बाई को ही सुनाते थे, क्योंकि उनको शिक्षा दे रहे थे वो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है जिंदगी में। तो सारी भी उनकी सारी रचनाएं हैं वो पान बाई को सुनाते थे। तो ऐसे 52 डेज के लिए हर रोज एक बनाई और पान बाई को सुनाई। तो ऐसे करके 52 दिन तक पान बाई की शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद गंगा सती ने अपना समाधि ले ली। तो वैसी ही आज की रचना है, क्रोधी स्वभाव ने जीत वो ने। अब इसकी बात करते हैं, क्या अपना भारतीय धर्मशास्त्रों में जेने षड रिपु, ले के काम क्रोध लोभ मोह मद अने मत्सर, षड रिपु, षड षड यानी छे, रिपु रिपु यानी कि हमारे जो दुर्गुण है, खराब गुण, वैसे षड रिपु उसकी बात की है। कौन सा है? काम क्रोध। काम यानी कि हम बोलो कामोत्सुक, हम कामासूत्र पढ़ते हैं कि कामोत्सुक कामना, किसी का मतलब हम बोलते हैं ना कि उसके अंदर ऑर्गन्स जब बढ़ जाते हैं, कामोत्सुक हो जाता है इंसान। तो काम क्रोध गुस्सा रोष लोभ लोभी मोह, किसी का भी हमें मोह होता है कि नहीं, ये छोटे बच्चे बता ना, उसकी चीज़ किसी को देते नहीं, तो मेरी है मेरी है, उसके लगाव हो जाता है। मोह मद अने मत्सर, मोह मद अने मत्सर, हमारे अंदर 6 प्रकार के दुर्गुण होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अने मत्सर। याद रखना, काम क्रोध लोभ मोह अने मत्सर, ये 6 प्रकार के हमारे अंदर दुर्गुण है। देखिए, अगर हमारा शत्रु हमारे सामने हो, या परिवार का हो या बाहर का, तो हम उसके साथ लड़ सकते हो, तलवार के साथ, बंदूक के साथ, या गाली गलौज कर सकते हो आप लोग, है ना। तो सामने हो तो आप उसके साथ लड़ सकते हो, उसे हरा सकते हो, पर ये 6 शत्रु जो है हमारे, वो तो हमारे अंदर के हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद अने मत्सर। ये जो 6 शत्रु है वो हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर है नहीं, और हमें इन्हें हराना है। तो उसे कैसे हराएंगे? क्योंकि हमारे अंदर, हम इसको देख नहीं सकते, जो हमारे अंदर दुश्मन पड़े हैं, दुश्मन हमारे अंदर है। मैं पूरा दुनिया घुमाया पर वो तो मेरे भीतर था, वैसे ही ये सारे शत्रु हमारे अंदर है, जिसे हमें हराना है। तो इसकी ही जानकारी गंगा सती ने आज की इस कविता में दी है, बहुत अच्छी कविता है, हम समझेंगे उससे पहले कि ते पैकिनो एक ते आ क्रोध, और इसमें जो बात की हुई है, 6 हमारे दुश्मन हैं, जो 6 दुर्गुण हैं हमारे बॉडी में, उसमें से एक मतलब क्रोध यानी कि गुस्से की बात यहाँ पे हुई है। प्रस्तुत भजन में गंगा सती पानबाई ने शीख आपे छे कि जेने अध्यात्मना देश प्रदेश की यात्रा करवी होए, तेने पोताना क्रोधी स्वभाव ने जीतवो। जिन्हें आध्यात्मिक देश प्रदेश में जाना हो, आध्यात्मिक बनना हो, शांत बनना हो, उसे अपने क्रोध को, अपने क्रोधी स्वभाव को जीतना पड़ेगा, अपने क्रोध पर काबू लाना पड़ेगा। क्रोध, अगर क्रोध जीत गए तुम, शांत हो गए, तो फिर तुम अध्यात्म प्रदेश में जा सकते हो, मतलब तुम अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि तक ले जा सकते हो। बल बला संतो महंतो ऋषियों पण आ क्रोध रूपी दानवना सकंजामाथी सर्वदा मुक्त नहीं थी। बहुत बड़े संत महंत और ऋषि भी इस क्रोध में से, क्रोध जैसे जो क्रोध नाम का दानव है, उसके शिकंजे से मुक्त नहीं है। जैसे कि जानी तू ना मिले ऋषि दुर्वासा, दुर्वासा ऋषि, अगर आपने महाभारत देखा हो तो आपको पता है कि वो बाद बाद में श्राप देते हैं, है ना। अगर उनको खाना 5 बजे चाहिए तो चाहिए, अगर 5:01 हुई तो आपको श्राप दे देंगे, कुछ भी उचित हुआ तो आपको श्राप दे देंगे। तो ऐसे दुर्वासा, अब बहुत बड़े ऋषि थे, फिर भी वो गुस्से से अपने आप को बचा नहीं पाए थे। तो अपने तो पामर, हम तो सामान्य मनुष्य है ना, मानव मात्र जात, भातनी कामना आशा इच्छा अपेक्षा तृष्णा थी त्रस्त अने ग्रस्त। हम लोग क्या है,
जात, अपनी जात से, अपनी जात बात से, अपनी कामनाओं से, अपनी आशाओं से, अपनी इच्छाओं, हमने अपनी अपेक्षा, हमें क्या करना है, हमारी इच्छा है क्या क्या रखना है, हमारी तृष्णा, हमारी जो प्यास है, ये सब उससे हम लोग त्रस्त और ग्रस्त हैं। हम उससे बहुत ही परेशान हैं और उसके अंदर ही हम लोग जुड़े हुए हैं और उससे हम लोग कनेक्टेड है कि वो हमारे अंदर से निकलता ही नहीं। गमे तेवी अने गमे तेटली तकेदारी राखवा छता, क्रोधनी भयंकरता जाणवा छता, क्रोधवश थईए छीए अने जाणे अजाणे आपणू ने अन्यनो अहित करीवे। हमको पता है कि क्रोध कितना खतरनाक है, हम जानते हैं और हम कितनी भी तैनात रहे फिर भी हम जाने अनजाने में उसके अंदर चले क्रोधवश हो ही जाते हैं और हमें और दूसरों को कुछ ना कुछ अहित खराब कर बैठते हैं। आ पदमा पानबाई ने केवल अक्रोधना महिमा ज नहीं समझाव्यो, किंतु क्रोधना कारणनी साथे वारणनी विविध हाथ वगी हैया वगी चावियो पणा। इन्होंने सिर्फ क्रोध को, मतलब अक्रोध, अक्रोध से क्या होता है, मतलब बिना क्रोध क्या होता है, उससे क्या होता है, वही नहीं समझाया, किंतु क्रोध को कैसे हमें वापस मोड़ना है और उसके लिए हमारे हाथ की और दिल की जो चाविया है, मतलब कि उसको, क्रोध को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, उसे अनुभव के साथ गंगा जन सती ने यहाँ पे समझाया है और पूरे मानव जात ने आदर्शों संदेशा, मतलब आदर्श का संदेश उन्होंने पूरे मानव जात को दिया है। चलो शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है, क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने, क्रोधी स्वभाव ने जीतवो ने, राखवो नहीं अंतर मा क्रोध रे। जो क्या बोला कि क्रोध, हमारा जो क्रोधी स्वभाव है उसको हमें कंट्रोल लाना पड़ेगा, उसको जीतना पड़ेगा, या फिर मनुष्य अपने मन में क्रोध रख नहीं सकता। मन में क्रोध रखे बिना क्रोधी स्वभाव पर विजय मेड़ो, मन में थोड़ी भी गुस्सा रखे बिना इस क्रोधी जो हमारा गुस्साल जो स्वभाव है उस पर हमें काबू लाना पड़ेगा। मन्ना विरोध ने तेजी ने, चलो आगे नीरज समानपणे सर्वमा वर्तवु ने टाळी देवो मनो विरोध रे। समानपणे सर्वेमा वर्तवु ने टाळी देवो रे मनो विरोध रे। मतलब कि समानपणे, मतलब कि समान भावे, सबके साथ एक जैसा ही, सब में एक जैसा ही हमें वर्तना पड़ेगा, मतलब कि एक जैसा ही हमारा बिहेवियर होना चाहिए सबके साथ, और हमें टाड़ी देवो मनो, जो मन का हमारा विरोध है उसे हमें रोक देना पड़ेगा। दूसरों के साथ हम विरोध करते हैं उसे रोक के सबके साथ एक जैसा ही बिहेवियर रखना पड़ेगा। हे जी राम निर्मल थईने काम ने जीतवो ने, यहाँ हे जी राम, राम यानी राम भगवान से ये लोग ये बोल रहे हैं, राम भगवान का नाम लेके, हे जी राम निर्मल थई ने काम ने जीतवो ने, क्या बोला, निर्मल थई ने काम ने जीतवो ने, राखवो अंतर मा वैराग रे। देखो यहाँ शब्द दिया है निर्मल, निर्मल यानी पवित्र, या फिर विमल बोल सकते, एकदम पवित्र, हम लोग पवित्र होके हमारे ये जो काम वासना है, क्रोध है, उस पर हमें काबू लाना है, उसे जीतना है, और राखवो अंतर मा वैराग, वैराग एटले यानी कि वैराग का दूसरा शब्द हम बोल रहे क्या, वैराग्य, विरक्ति या फिर अनाशक्ति बोलते हैं, तो वैराग। तो हेजी राम निर्मल यानी कि पवित्र होकर हमारे काम क्रोध को हम जीत के वैराग को, वैराग को हमारे अंतर में रखना है। जगतना वैभव ने मिथ्या जानी ने टाड़ी देवो दुर्जन नोजा। जगत, जगत के जो वैभव है उसको हम मिथ्या, मतलब कि ये तो झूठ है, गलत है, ऐसा मान के दुर्जन नो जो राग छे, मतलब कि स्नेह प्रेम किसका, दुर्जन का, खराब लोगों का जो प्रेम है उसको हमें हटा देना है। जगत नो वैभव, आपका हम लोगों का कैसा है कि हम लोग अभी जो दुनिया के अंदर की जो शौक साहिबी है उसके साथ हम जुड़े हैं, हमारा, हम लोग क्या लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं, है ना,
बड़ा बंगला, बड़ी कार, BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, लेम्बर्गिनी, ऐसी बड़ी बड़ी कारें चाहिए, बहुत बड़े बड़े बाइक, AC, बहुत बड़ा TV, फ्रिज, है ना, ऐसी लग्जूरियस लाइफ चाहिए। पर क्या उससे मन की शांति मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी कोरोना वालों को देख लो, कितना भी करोड़पति हो, कोरोना हो, उसको जाना तो सिविल में ही पड़ेगा, है ना। तो वैसा ही है, मन की शांति नहीं मिल सकती। तो ऐसा यहाँ पे गंगा सती वही बोल रहे हैं कि वैभव ने मिथ्या जाने, ये दुनिया का जितना भी हमारी सुख साहिबी वैभव है वो सब झूठ है, उससे कुछ होता नहीं है। उससे हटोगे तो ये आपका जो लोभ और वैभव की तरफ जो लोभ, रोग और क्रोध है, वो दुर्जन, जो दूरी दूरीजन है, दूर मतलब खराब इंसान है, वो उसको आप दूर रखो। हे जी राम, आ लोकों ने परलोकनी आशा तजवी ने, राखू अभ्यास मा ध्यान रो। लोक परलोक, लोक हमारा लोक, और परलोक हम बोलते हैं ना स्वर्ग लोक या नर्ग लोक में जाएंगे, उसकी आशा ही छोड़ दो कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नर्ग में जाएंगे, बस अपने अभ्यास में ध्यान रखो। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि मैं इतना पढ़ूंगा तो 12th में 100 में से 100 या 99 या 98 आएंगे, पर आप 98 के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, 99 के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, आप 100 के लिए क्यों पढ़ रहे हैं? आप सिर्फ अभ्यास कीजिए, और इतना अभ्यास कीजिए, आप फल की चिंता छोड़ दीजिए कितने आएंगे, आप अपना बेस्ट दीजिए, बस आप जितना भी मेहनत करोगे उसके हिसाब से आ जाएंगे। तो आप फल की इच्छा छोड़ दो कि क्या होगा, बस अपना काम, लोग पर लोग कल क्या करेंगे वो छोड़ दो, आज के लिए बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करो, आप अपने अभ्यास में ध्यान रखो, मुझे क्या करना है, बस दूसरा क्या कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी किताब पढ़ दिए, यार ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, ये क्या पढ़ रहा है, कितना अच्छा पढ़ रहा है, और हम लोग, मैं तो इतना पढ़ रहा। कभी कॉम्पिटिशन में मत आओ, लाइफ कॉम्पिटिशन हो गई है, सब लोग कॉम्पिटिशन में नहीं, बस अपना बेस्ट दो, हम अपनी तैयारी करो, और जितना भी रिविजन करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो यहाँ भी है कि लोक परलोकनी आशा तजवी ने, राखू अभ्यास मा ध्यान रे, तरणा समान सहु सिद्धियों ने गणवी ने। क्या बोला, तरणा, तरणा तो आप सबको पता ही है, तरण मतलब घास, तृण, तृण का एक छोटा सा छोड़ होता है ना, तो तरणा समान सहु, हम जितनी भी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जितने भी हम लोग अचीव करते हैं डिग्रियां, उसे एक तृण समान मानना है, और मेलवु अंतरनु मान रे। क्या बोला, मेलवु अंतरनु मान, मान यानी अभिमान, ये हम लोग बोलते हैं मैंने तो MPhil किया है, मैंने PhD किया है, मैं डॉक्टर बना हूँ, तो कुछ लोगों को अभिमान आ जाता है, घमंड आ जाता है, मैं ही हूँ। तो ये सारी की सारी डिग्रियाँ या भी सारी, मैं बहुत करोड़पति हूँ, मेरे पास लिम्बर्ग नहीं है, मेरे पास BMW है, तो अभिमान जो घमंड है, उस घमंड को एक तृण समान मतलब एक तिनका समान है, उसे साइड में हटाओ, मेलवु अंतरनु मान, और हमारे दिल मन में, हमारे अंदर में जो अभिमान है वो अभिमान को छोड़ दो, अपना मन में जो अभिमान छे एने हटावी दो। लास्ट पंक्ति शू कहे छे, हे जी राम, गुरुमुखी होय तेणे एमज रहेवु ने, वरतवु वचननी माय रे। गुरुमुखी, जो गुरु के बोल को अपना मानने वाला इंसान है, वो उसको वैसे ही रहना है, और वरत वो वचन नहीं माए, मतलब कि उसने जो वचन दे दिया उस वचन में ही रहना है, वो वचनबद्ध हो जाए तो फिर वचन तोड़ सकता नहीं है, वो प्रतिज्ञा ले ली तो प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता, ऐसे ही वैसे होना चाहिए। गुरुमुखी लोग कैसे होने चाहिए, जैसे है वैसे, वो वचन से बंधे होते हैं और वचन में ही रहते हैं। गंगा सती एम बोलिया रे पान भाई, एने नड़े नहीं जगत माँ कोई। गंगा सती ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग अपने काम, क्रोध, मोह, माया इस सब से दूर है, जो कि लोभ में बंधित नहीं है, जो क्रोध में बंधित नहीं, जो मोह माया में बंधित नहीं, जो काम वासना में बंधित नहीं, इन सब से जो पर है, अपने दुश्मनों को, अपने अंतर के, अपने अंदर जो 6 दुश्मन है उसको जो हरा चुका है, और जो गुरु के शब्दों का पालन करता है, और जो अपने ही प्रतिज्ञा का मान रखता है, ऐसा इंसान, उसको दुनिया में, जगत यानी कि दुनिया, दुनिया में कोई उसके बाधा रूप या अड़चन रूप उसके बीच में आ सकता नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारी पूरी कविता समाप्त होती है।
यहाँ पे हमें आगे जाके अभी व्याकरण भी इसका पढ़ना है, ठीक है। गंगा जती नु आ काव्य में आपने बनी गया, ठीक है, क्रोधी स्वभाव ने। तो आप लोग, मैं भी आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने मन पे काबू रखेंगे, और जो छह दुर्गुण होता है सब में होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान नहीं, भगवान हो या हम हो, सब में ये छह दुर्गुण होते हैं, सिर्फ हमें उस पर काबू ला के उसको जीतना है और उसे अपने अंदर से निकाल देना है, तो हम लोग भी शांत और हमें जो चाहिए वो हम पा सकते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम इसका व्याकरण लेके आगे आएंगे, तब तक गुड बाय।